मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतारी पुरुष जरूर थे, लेकिन उन्होंने सामान्य बच्चे की तरह माता के गर्भ से जन्म लिया। पुराणों में इस बात को लेकर काफी मतभेद है कि श्री राम का जन्म आखिर कब हुआ था। प्रचलित कथा के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री राम का जन्म हुआ था। इस दिन देश भर में रामनवमी मनाई जाती है, जो श्री राम के जन्म की द्योतक मानी जाती है। सवाल ये उठता है कि श्री राम के युग के बाद इतनी सभ्यताएं आई और गई कि यह तय करना असंभव प्रतीत होता है कि श्री राम किस काल, वर्ष और खंड में जन्मे। उनके जन्म की तारीख और स्थान पर भी कई बार बहस होती है, लेकिन अब तक भी बात को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। आइए अलग अलग काल के पुराणों और प्रचलित मान्यताओं में लिखित श्री राम के जन्म की तारीख जानते हैं। क्या कहती है महर्षि वाल्मीकि की रामायण? महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में श्री राम के जन्म का उल्लेख इस तरह किया गया है। जन्म सर्ग 18वें श्लोक 18 अगस्त 10 में महर्षि वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया है कि श्री राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ। अचंभे की बात यह है कि आधुनिक युग में कंप्यूटर द्वारा गणना करने पर यह 21 फरवरी 5115 ईस्वी पूर्व निकलता है। तुलसीदास की रामचरितमानस के अनुसार मानस के बालकांड के 190वें दोहे के बाद पहली चौपाई में तुलसीदास ने भी इसी तिथि और ग्रह नक्षत्रों का जिक्र किया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम के पूरे जीवन की हर अवस्था का जिक्र करते हुए कहा है कि 16वें वर्ष में वो विश्वामित्र के साथ तपोवन गए और युद्ध की शिक्षा ली। आयवेदा ने की वाल्मीकि रामायण की पुष्टि। वाल्मीकि रामायण की पुष्टि दिल्ली में स्थित एक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा यानी आईसवे ने भी की है। वेदा ने खगोलीय स्थितियों की गणना के आधार पर यह थ्योरी बनाई है कि वाल्मीकि ने तारों की गणना के आधार पर राम जन्म की स्थिति की जानकारी दी है। वेदा द्वारा कराए गए इस शोध में मुख्य भूमिका अशोक भटनागर, कुलभूषण मिश्र और सरोज बाला ने निभाई है। सरोज बाला आयुर्वेदा की अध्यक्ष भी हैं। इनके अनुसार 10 जनवरी 5114 को भगवान राम का जन्म हुआ था। वाल्मीकि लिखते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोकवंदित श्री राम को जन्म दिया। वाल्मीकि कहते हैं कि जिस समय राम का जन्म हुआ उस समय 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे।